नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग एक, उसके गद्यखंड का, गद्यखंड के पांचवें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि शेखर जोशी द्वारा लिखा गया है, गलता लोहा। तो इसमें मोहन और जो धनराम हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और वे अपनी पुरानी जो यादें हैं उनको ताज़ा कर रहे हैं। अब जो बंसीधर जी हैं अपने पुत्र मोहन को पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं, लखनऊ भेज रहे हैं, तो उसके लिए जो उन्हीं की बिरादरी का संपन्न परिवार का जो युवक रमेश है वह तैयार हो जाता है और वो कहता है कि वहाँ पे उनके साथ में रहकर वह अच्छे से पढ़ाई कर लेगा। तो इस प्रकार से उनकी जो चिंता है बंसीधर जी की वो दूर होती है। और पहले जब ये स्कूल जाता है तो किस प्रकार से मोहन के सामने नदी को पार करने की विकट समस्या आती है और उससे बंसीधर जी घबरा जाते हैं। लेकिन जब रमेश के सामने जब ये बात करते हैं मोहन की पढ़ाई के लिए, तो वह उन्हें निश्चिंत कर देता है और सहानुभूति जताता है और साथ ही कहता है कि मैं उसे लखनऊ ले जाऊंगा और वहाँ पे वो हमारे साथ ही रह लेगा और वहाँ पे रह के पढ़ लेगा ये, और इसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो सकेगी। ये हमने अध्ययन किया था भाग दो के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या वो वास्तव में मोहन को साथ में लेके जाना चाहता है या नहीं ले जाना चाहता। तो कहाँ तक बंसीधर जी की जो घबराहट थी, जो परेशानी थी मोहन की पढ़ाई से संबंधित, तो क्या उसका निवारण हो पाया या नहीं हो पाया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे भाग तीन के अंतर्गत कि बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा, भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। अब बंसीधर जी को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए कि जो उनकी चिंता थी ना वो ईश्वर ने दूर करने के लिए रमेश को भेजा है, तो साक्षात भगवान के रूप मान लिया गया और उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा। अब उनकी आंखों में मतलब बंसीधर जी की आंखों में पानी आने लग गया, खुशी का कह सकते हैं या किसी प्रकार से भाव जो है होने लगे। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, कि अपनी जो जाति का ना यही सहारा होता है कि अब जाति वाला दूसरी जाति अपनी जाति के दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गाँव की दुनिया से बिछुड़ कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुँचा। अब छुट्टियाँ शेष होने पर रमेश वापस लौटा, यानी कि छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और रमेश वापस लौटा है तो जो मोहन है वह भी उसके साथ में अपने माँ बाप को गांव की दुनिया को छोड़कर सहमा सा मोहन भी लखनऊ चल दिया है। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब पहले जो ग्रामीण परिवेश में वो रह रहा था तो वो एक अध्याय माना गया है और दूसरा जो अध्याय है नया जो कि शहर में आ चुका है, लखनऊ में आ चुका है, तो किस प्रकार से उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है, जीवन में परिवर्तन आ रहा है और किस प्रकार की जो स्थितियाँ जो है विपत्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है उसको, तो कैसी जो समस्याएं उसके सामने उत्पन्न हो रही हैं या समस्याएं नहीं थी केवल सुविधाएं उसको वहाँ मिल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब सबसे पहले वह अपनी चाची और भाभी जो हैं तो उनके काम में हाथ बटाता था और धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी जो चाचियाँ जो भाभियाँ थीं उनके कामकाज में हाथ बटाने लग गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दिया, मोहन एक किलो आलू तो ला दे। अब ये जो मोहन जो है हर प्रकार से अब काम में उलझा रहता है, वहाँ पर हर कोई ना कोई जो उसको काम कहता ही रहता है। तो औस्त दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। अब ये दफ्तरी बाबू थे, बड़े बाबू थे ये, उसकी हैसियत से रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना, अब बिरादर मतलब अपनी जाति का भाई बताना, अपने सामान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। अब देखिए वो लेके तो रमेश उसको पढ़ाने के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन उसकी स्थिति कैसी हो गई है मोहन की, यहाँ पे वह घरेलू नौकर बन के रह गए।
और रमेश जो है दफ्तर में बड़ा बाबू है, तो वह अपना जो बिरादरी भाई है, जाति भाई है मोहन, तो उसको वैसा सम्मान नहीं देता था। केवल एक घरेलू नौकर जो है ना, उसकी हैसियत से उसको देखता था वो। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। अब देखिए, पहले स्कूल में नाम नहीं लिखवाया, बाद में रमेश का जो नाम है वो एक साधारण से स्कूल में लिखवा दिया गया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। अब देखिए, अब गांव के अंदर तो वह मेधावी था, तीव्र बुद्धि कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन शहर में आ गया, उसके लिए सारा वातावरण नया था और रात दिन घर के काम में वो लगा रहता था। कभी कोई काम है, कभी कोई काम है ना, तो जिसके कारण से जो मेधावी छात्र था शहर का जो स्कूली जीवन था उसमें अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। अब एक बंदी बंधाई, सुबह उठना, घर का काम वगैरह करना, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आके फिर घर के काम में हाथ बटाना, तो यही परिपाटी चलती रही। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अब देखिए कितना बंदिशों भरा जीवन मोहन का हो गया है कि जो गर्मी की छुट्टियां आती थी तब भी वह गांव जाने का मौका तभी मिलता उसको जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता ना, नहीं तो वो छुट्टियों को अगले दर्जे की तैयारी का नाम देकर शहर में गुजारना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। अब देखिए, लेखक कहता है कि ये केवल कहना मात्र जो है कि वह अगले दर्जे के अर्थात अगली कक्षा की वो तैयारी कर रहा है, ये तो बहाना था। सवाल तो था कि रमेश और उसकी जो गृहस्थी है उसकी सुख सुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। अब देखिए मोहन का जीवन कैसा हो रहा है। अब मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, उसको जैसा रखा जा रहा था वो वैसा रहने के लिए तैयार हो गया। उसके अलावा उसके पास में और कोई उपाय भी नहीं था। घरवालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। अब देखिए, घरवालों को अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है, नौकरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, और साधारण से स्कूल में उसका जो दाखिला करवा दिया गया, एडमिशन करवा दिया गया, प्रवेश करवा दिया गया है, और उसको पढ़ाई का समय ज़्यादा नहीं मिलता, घर के काम काज में ही वो लगा रहता है। तो ऐसी जो बातें वो बताकर घर वालों को दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी। अब बंसीधर जी को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बंसीधर जी तो उसके सुनहरे भविष्य की कामना कर रही हैं। जैसे वो 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था, जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। अब देखिए, जैसे तैसे 8वीं की पढ़ाई तो उसने पूरी कर ली है, लेकिन जैसे ही वो 8वीं की पढ़ाई पूरी हो गई उसकी, छुट्टियों के बाद में मोहन गांव आया हुआ था, और जैसे ही वो लखनऊ पहुंचता है तो उसने अनुभव किया कि रमेश का परिवार नहीं चाहता कि वह आगे की पढ़ाई करें। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रही हैं। अब देखिए, बात चाहे कैसी भी हो तो हर कोई कहता है कि बीए एमए कर लेने वाले जो हैं वो बेकार घूम रहे हैं और तू पढ़ के क्या करेगा, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। अब देखिए, उसकी दिनचर्या तो वैसी थी, सुबह उठना, घर के काम में हाथ बटाना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल के बाद में वापस आके घर में घर का काम में हाथ बटाना, तो इस प्रकार से दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अब देखिए, वो तकनीकी शिक्षा में पारंगत हो चुका है, लेकिन कामकाज के लिए जो मोहन है वो पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। बंसीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। अब देखिए, पिता को तो आस रहती है ना कि अपने पुत्र को भेजा हुआ है, अब वहाँ परिस्थिति क्या है कैसी है उनको बंसीधर जी को पता नहीं था। वे मन ही मन विश्वास करते थे और अगर कोई
मोहन के बारे में पूछता तो उसकी पढ़ाई के बारे में बताने लगते, और वे उनको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बन के वो लौटेगा वहाँ से। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन जब उनको वास्तविकता का पता लगा कि मोहन को तो ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं, उन्होंने पढ़ने का समय ही नहीं दिया, और वो बेचारा जो है घर के कामकाज में और स्कूल में ही उलझा रहता है, घर के काम में ही हाथ बटाता रहता है और नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है, तो उनका जो स्वप्न भंग की जानकारी का साहस वो किसी को जानकारी देने का साहस किसी को नहीं दे पाए, जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। अब ये धनराम जो उसका मित्र था, जो उसकी क्लास में पढ़ता था, सहपाठी था, लोहार का पुत्र था, तो धनराम ने भी एक दिन मोहन के बारे में बंसीधर जी से पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है। अब सेक्रेटरीट क्या है, जो सचिवालय है ना, तो वहाँ पे उसकी जो है नियुक्ति हो गई है, और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुँच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था, उसने सोचा। अब देखिए बंसीधर जी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि उसका जो पुत्र है मोहन जो सेक्रेटरी यानी कि सचिवालय में नियुक्त हो गया है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर बड़ा अफसर बन जाएगा। अब धनराम जो है वो सोच रहा है कि त्रिलोक सिंह जी मास्टर जी ने जो भविष्यवाणी की थी ना, वो हो सकता है सच हो जाए। दांतों के बीच से तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए। अब देखिए एक पौराणिक विदंती है कि दांतों के तले अगर तिनका हो ना तो झूठ भी बोल दे तो उसका दोष नहीं लगता। तो ये बंसीधर जी ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, तो इसलिए उन्होंने दांतों के नीचे तिनका दबा के झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया, और असत्य भाषण का दोष न लगे ऐसा संतोष करते हुए बंसीधर जी आगे बढ़ गई। धनराम के बाद मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोड़ते रहे। अब धनराम के जो शब्द थे ना, अब धनराम बंसीधर जी से कहते हैं कि मोहन लला जो है वो बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो ऐसी जो बातें हैं उनको काफ़ी देर तक कचोड़ती रहीं, झकझोरती रहीं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंग पर मोहन और धनराम बातें करते रहीं। अब देखिए जो त्रिलोक सिंह जी मास्टर जी थे तो उनकी बातों के साथ साथ जो बचपन से लेकर अब तक का जो जीवन प्रसंग था उस पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बैंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। अब देखिए हंसुआ लेके जा रहा था ना मोहन खेतों में जो घास उगाई थी तो उसको साफ करने के लिए जा रहा था, लेकिन हंसुए की जो फाल है यानी कि उसके जो धार है वो मोटी हो चुकी थी, पैनी नहीं थी, तीखी नहीं थी वो, तो इसी कारण से वो धनराम के पास में आता है। अब धनराम ने क्या है कि जो हंसुए का फाल मतलब जो उसका हत्था था उसको निकाल दिया लकड़ी का, और फिर भट्टी में तपा कर मन लगाकर उसकी धार बना दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने से काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बैंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। अब बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। अब देखिए मोहन जो है धनराम है वो हाथ जोड़कर कहता है कि अगर कोई भूल चूक होगी तो माफ़ी देना, बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती। पंडित जी बंसीधर जी के लिए कहा गया है जो कि मोहन के पिता हैं कि उनको तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन अगर किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं रही हो। अब देखिए हंसुआ ठीक हो चुका है, लेकिन जो मोहन है उसने धनराम के प्रश्न का यानी कि कोई उत्तर नहीं दिया, फिर वह वहीं पे बैठा रहता है और वापस जाने की उसको जल्दी नहीं थी ऐसा लग रहा था। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। अब सामान्य तौर पर से ब्राह्मण टोले यानी कि समूह का ब्राह्मण जो समुदाय ना उसके लोगों का जो शिल्पकार हैं जो लोहार हैं तो उनके समूह में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्प का टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। अधिक इस प्रकार से जातिगत जो भेद है यहाँ पे प्रकट किया गया है कि जो निम्न वर्ग है जो शिल्पकार वर्ग है तो उनके पास में जो ब्राह्मण वर्ग है ना वो बैठ भी नहीं सकता था,
केवल अपना काम खड़े खड़े करवाते और वहाँ से ही चल देते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की मर्यादाओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। अब देखिए कि मोहन गांव की इन मर्यादाओं से अपरिचित तो ऐसा भी नहीं था कि गांव में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ ही नहीं कहा और अपना काम करता रहा। अब मोहन वहीं पे बैठा हुआ है, हंसुआ सही कर दिया गया है, उसकी धार पैनी कर दी गई है, तो मोहन वहीं पे बैठा हुआ है जो हंसिया है हंसुआ है अपने हाथ में लिए हुए। तो धनराम भी मन ही मन उसके इस व्यवहार से असमंजस में था, लेकिन वो कुछ कहने के लिए समर्थ नहीं था कि क्या कहे, है ना, तो वह अपने काम में लगा रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर जो धनराम है जो मोहन का मित्र था जो सहपाठी था बचपन का, तो गोलाई से मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जो संडासी है उसको पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था। अब देखिए वो मोड़ना चाहता है धनराम उस सरिये को, लेकिन संडासी से एक सिरा पकड़ा दूसरे से वो जो चोट मार रहा है थोड़े से, लेकिन ठीक सिरा जो है ठीक घाट में सिरा जो न फंसने के कारण से जो लोहा उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्ता हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघर गोले का रूप दे डाला। अब देखिए किस प्रकार से जो मोहन है वह देख रहा था इस कार्यकलाप को, लेकिन जब वह देखता है कि धनराम से वह जो सरिया है ढंग से मुड़ नहीं रहा, तो मोहन अपने संकोच को त्याग कर दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करता है और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारता है और अपनी अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे की जो दोबारा भट्टी में गर्म करता है, फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगट गोले का रूप दे डालता है। अब ये निहाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि निहाई क्या है, तो एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहा आदि धातुओं को रखकर पीटते हैं, वो निहाई कहलाता है। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। अब ये चूक मतलब कि वो उसको मना करता है ना, तो ऐसा उसको मौका ही नहीं मिला धनराम को, तो मोहन ने इतना फुर्ती से हस्तक्षेप किया, आकस्मिक ढंग से किया सब कुछ कि धनराम को उसे मना करने का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा, अवाक मतलब आश्चर्यचकित होकर मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। अब देखिए एक पुरोहित का पुत्र है तो वो पुरोहिताई का कार्य ही करेगा, लेकिन यहाँ पर उसको आश्चर्य हो रहा था कि मोहन जो है वह कितना अच्छा कारीगर है, लेकिन उससे भी बढ़कर वह आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि वह पुरोहित खानदान का एक युवक है जो इस तरह के काम में लगा हुआ है और उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, शंकित मतलब शंका से भरा हुआ कि किसी ने देखा तो नहीं है। धनराम के संकोच असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जाँच रहा था। त्रुटिहीन मतलब कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, जिसमें कोई कमी नहीं हो। तो धनराम की जो संकोच है असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मतलब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया मोहन ने कि मोहन को किस बात का संकोच है, किस असमंजस में है और कौन से धर्म संकट की स्थिति में है। तो मोहन संतुष्ट भाव से अपने जो लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जाँच रहा था कि जिसमें कोई कमी नहीं थी, ऐसी गोलाई को वो जांच रहा था। उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा, उसने धनराम की तरफ जो है अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि उसकी कारीगरी जो है वो सही है, तो इस भाव से देखा। उसकी आंखों में एक
सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। अभी सर्जक जो है सृजन करने वाला, तो ऐसा जो भाव है उसकी आंखों में था जिसमें किसी प्रकार की कोई स्पर्धा नहीं थी, किसी प्रकार का कोई भी कह सकते अपने कि ऊंच नीच का भाव नहीं था और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो ये था गलता लोहा कि किस प्रकार से एक जाति विशेष का जो बालक है वो परिस्थितिवश किस प्रकार से वह अपने आप को ढाल लेता है, और जो गांव में जातिगत भेद था तो उसके विरुद्ध जो है वह कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से जो जातिगत अपने कह सकते हैं भेद कह सकते हैं, या जातिगत जाति के आधार पर जो भाईचारा है, तो वह न होकर, अब देखिए जाति का जो भाईचारा था वो सही नहीं था। अब रमेश उसको ले गया और ले जाने के बाद में उसको ढंग से पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं और घर के काम में लगाए रखा, और बाद में उसको तकनीकी स्कूल में लगा दिया और वहाँ पे वह जो लोहारों का काम है या अन्य काम है वो कर रहा था मोहन। लेकिन जो धनराम है तो वह कर्म के आधार पर उसका भाई बन चुका है। अब क्योंकि धनराम का कार्य भी वही था और मोहन भी उसी कार्य को कर मोहन ने भी उसी कार्य को किया है, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जातीय जो अभिमान है वो बेमानी हो जाता है, और जो मेहनत कश है तो उसका जो भाईचारा है वह ही सच्चा भाईचारा है। तो ऐसा भाव इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जो जातीय भाईचारा है वह केवल दिखावटी हो सकता है, लेकिन जो मेहनत के आधार पर भाईचारा है वह दिखावटी नहीं होता, वह वास्तविक होता है। इसी भाव को ही शेखर जोशी जी ने गलता लोहा जो अपनी रचना है उसके माध्यम से, उस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जातिगत विभाजन जो है हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जाति के आधार पर जो भाईचारा है वह स्थिर नहीं रहता, बल्कि कर्म के आधार पर जो भाईचारा है वह ही सफल होता है। तो इसी के साथ ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।